प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। टेन एक्स इज इक्वल टू एन टेन वाई गिवन है और साइन एक्स इज इक्वल टू एम साइन वाई गिवन है और कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये टर्म कॉपी करते हैं, tan x और tan y को sin x by cos x एंड sin y by cos y के फॉर्म में स्प्लिट करते हैं। ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब यहां पे हम देख रहे हैं कि sin x इज इक्वल टू एम sin y दिया है, तो sin x की प्लेस पर m sin y पुट कर देंगे। अब ये sin y और sin y कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है उसको लिख लेंगे, m अपॉन cos x इज इक्वल टू n अपॉन cos y। तो अब इस स्टेप के बाद का स्टेप देखिए, cos y इज इक्वल टू, अब अगर हम cos y निकालते हैं डायरेक्टली तो क्या बन सकता है, n अपॉन m cos x। अब यहां पे जो अभी गिवन था क्वेश्चन में देख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू एम साइन वाई, इसको कॉपी करते हैं एंड सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू एम साइन वाई, तो साइन वाई यहां से निकाल लेते हैं जिससे दोनों वाई के टर्म में आ जाएगा, तो वन अपॉन एम इंटू साइन एक्स, ये दो टर्म हमारे पास आ गए, एक cos y की वैल्यू आ गई, एक sin y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है sin स्क्वायर, सिंस sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू वन, सेम एंगल पर ये वैल्यू इसकी वन आएगी, तो y लिखाओ x लिखाओ कुछ भी लिखाओ, तो यहां पर साइन स्क्वायर का मतलब हो गया कि वन अपॉन एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर वाई का मतलब हुआ एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहां तक समझने में किसी को। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में यहां दोनों एम स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो हम वन बाई एम स्क्वायर कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। अब इसके बाद ये एम स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एम स्क्वायर, ओवरऑल वो एम स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको जो प्रूव करना है वो कास स्क्वायर यानी कास एक्स के फॉर्म में लाना है, तो अब हम साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, वन माइनस कास स्क्वायर एक्स प्लस एन स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब ये टर्म और इस टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम फिलहाल अभी ये वन को उस साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो ये एम स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, और इन दोनों टर्म में अगर हम कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो क्या एन स्क्वायर माइनस वन बच सकता है कि नहीं, इसको पहले लिया है और इसको बाद में लिखा है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन, कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।